हेलो व्यूअर्स, क्या आप भी पनीर की वही बेसिक सब्जियां खा के बोर हो चुके हैं? तो आज हम बनाएंगे पनीर एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में। तो आइए शुरू करते हैं। पनीर बेगम पसंद बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। टमेटो प्यूरी, यहाँ पे मैंने लगभग 100 ग्राम टमेटो प्यूरी ली है। 100 ग्राम काजू लिए हैं मैंने यहाँ पे, एक चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, नमक, यहाँ पे मैंने 250 ml दूध लिया है और ऑयल। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम काजू को अच्छे से बॉईल कर लेंगे और उसको ठंडा करके उसकी हम प्यूरी बना लेंगे। फिर हम एक पैन में तेल गरम करेंगे, उसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक, और उसको अच्छे से तेल के साथ मिक्स करके उसमें हम अपने पनीर के पीसेस को थोड़ा सा सौते करेंगे। हमें पनीर को एकदम ब्राउन नहीं करना है, हमें बस इसे दोनों तरफ से हल्का हल्का सा सौते करना है ताकि इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो सके। जब पनीर थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो हम इसे निकाल के अलग रख लेंगे। फिर एक कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे, फिर उसमें हम 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और उसे अच्छे से सौते करेंगे। जब ये अच्छे से सौते हो जाएगा तो इसमें हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच देगी मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, और फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। पानी हमने इसलिए डाला है ताकि मसाले जले नहीं और तेल भी अच्छे से छोड़ दे। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि तेल मसालों से अच्छे से अलग नहीं हो जाता। हमने मसाले में नमक नहीं डाला है क्योंकि इसमें हमें बाद में दूध डालना है। आप मसालों को भूनने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करिए, उन्हें आराम से भूनिए जब तक कि वो अच्छे से भुन नहीं जाते और तेल नहीं छोड़ देते, वरना सब्ज़ी में मज़ा नहीं आएगा। इसमें आपको 8 से 10 मिनट लग सकते हैं। जब मसाले अच्छे से तेल छोड़ देंगे तो इसमें हम टमाटर की प्यूरी डालेंगे और उसको भी हम मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे, और जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। जब मसाला अच्छे से ऑयल छोड़ दे तो इसमें हम अपनी काजू की प्यूरी डालेंगे और उसको भी हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाता। इसमें आपको लगभग 10 मिनट तक लग सकते हैं। आप बिल्कुल पेशेंस रखिए और जल्दबाजी मत करिए, ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाना चाहिए, सब्ज़ी में मज़ा तभी आएगा। जब काजू का पेस्ट अच्छे से भुन जाए और तेल छोड़ने लग जाए तब हम इसमें दूध डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। दूध डालने के बाद हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है ताकि ये फटे नहीं। ग्रेवी में एक बॉईल होने तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और उसके बाद हम इसे पकने के लिए रख देंगे। ग्रेवी में एक अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में हमने मसालों के साथ नमक नहीं डाला था। ग्रेवी में थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे पकाएंगे जब तक ये अच्छा सा बॉईल नहीं आ जाता। जब ग्रेवी अच्छे से बॉईल हो जाए तो इसमें हम अपने पनीर के पीसेस डालेंगे जो हमने सौते करके रखे हुए हैं, और उनको भी अच्छे से मिक्स करके हम ग्रेवी को ढककर पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। हमारी ग्रेवी पककर एकदम रेडी है। आप इसी कंसिस्टेंसी को अपनी हिसाब से एडजस्ट करें। पनीर बेगम पसंद एकदम तैयार है। इसकी ग्रेवी बहुत ही क्रीमी और एकदम सटल फ्लेवर की होती है। ये डिश आपके गेस्ट को ज़रूर पसंद आएगी। आप अपने घर पे इसे ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए, और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे अपने रेसिपी सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है द बम पास।